हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40 टू 50 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे। हम लोग दोस्तों करंट अफेयर के अंदर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, इसके अलावा पीआईबी, पीआरएस, जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, ये सभी है जो कि हम लोग कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम ना आए। कभी भी अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है, अगर आपको कोई मेंस में कुछ लिखना है, अगर आपको प्रीलिम्स कोई एग्जाम देना है, वन डे का कोई एग्जाम देना है, अगर आपको कहीं पर डिस्कशन भी करना है, तो भी ये सेशन आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर एक फैक्ट के बारे में जो कि आपके जानने के लिए जरूरी होता है। चलिए, तो जैसा कि आपको मालूम है, आज है 10th of November, तो 10th of November के करंट अफेयर कवर करेंगे, और ये सारे के सारे आपके एग्जाम है। अगर आप इनमें से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको ये सेशन रेगुलर है जो कि देखना चाहिए। सबसे पहले दैनिक सारे के सारे न्यूज़पेपर देखेंगे, उसके अलावा आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट और कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीलिम्स में लास्ट ईयर जो यूपीएससी और बाकी एग्जाम में पूछे गए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको रेफरल कोड यूज करना है BHU10 या फिर Bhuvnesh10 अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस, बैंकिंग, एसएससी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इस तरीके से गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, और सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे यूपीएससी के अंदर। इस बार 170 प्लस बच्चों ने अनअकैडमी से जो है एग्जाम क्रैक किया है। ये सारे कुछ बेनिफिट है, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब वीकली टेस्ट आपको मिलते हैं। 12, 24 या 36 मंथ आप सेलेक्ट करके यहाँ पे BHU10 है जो कि आप नीचे लगा सकते हो, और आप ऑप्शनल की भी अलग से प्रिपरेशन कर सकते हो। और साथ में इस तरीके से अपना यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है, 40 प्लस एग्जाम में से जो भी आपका गोल है, प्लस में जाइए गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 मंथ, और यहाँ पे BHU10 आपको यूज करना है। ठीक है गाइस, और स्पेशल क्लास की बात करें, डेली सुबह 12 बजे स्पेशल क्लास होती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और SSC के अंदर मैं कंप्लीट GS का फाउंडेशन बैच आपको GK पढ़ा रहा हूँ, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं पिज्जा की कॉस्ट पे। आप देखो, आपके किसी भी फ्रेंड को या आपको कोई जॉब मिली है, तो वह एजुकेशन की वजह से मिली है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक बच्चे को इस देश के अंदर एजुकेशन देने में हेल्प करो, तो आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन से इसको हेल्प कर सकते हो। आज का कोट ऑफ द डे है जो कि आइंस्टाइन के द्वारा बोला गया है दोस्तों, वीक पीपल रिवेंज, स्ट्रांग पीपल फॉरगिव, इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर। बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। आपने भी अपनी लाइफ के अंदर कई बार जो है इस चीज को विटनेस किया होगा कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही होगी, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा होगा, आपके अंदर रिवेंज की जो प्रवृत्ति है ना, वो कम होती जा रही होगी, आप इग्नोर करना सीख रहे होंगे। इसका मतलब यही होता है कि आप धीरे धीरे समझदार बन रहे हो। छोटे होते हैं, जब हम लोग स्कूल के अंदर, कॉलेज में होते हैं, तो रिवेंज लेने में बड़ा मजा आता है लोगों को, याद है आपको, तो बचपना होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बहुत ही वीक होते हैं अंदर से। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी रिवेंज वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही वीक होते हैं अंदर से, जो कि अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे कारण से, और अपने मेन गोल से भटक जाते हैं। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो कि माफ करते हैं, और इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो कि इग्नोर करके चलते हैं और अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि जब वो काम जब उनका होता है ना, तब जिन लोगों से को उन्होंने इग्नोर किया, वो खुद जो है आगे चल के लोगों से फिर उनसे काफी इंप्रेस है जो कि होते हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं आज के दैनिक पे फ्रंट पेज पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो कि है एनजीओस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बीच में कहां से आ गई, एनजीओ और इंटरनेशनल डोनर के बीच में, है ना। वैसे तो क्या, अगर पैसे का मामला है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये मामला देखना चाहिए, पहले भी देखती थी, लेकिन ये अभी MHA बीच में क्या कर रही है, उसके बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बात करी गई है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे चेन्नई के अंदर बारिश को लेकर बताया है UK, है ना, कुछ अभी जरूर चेन्नई के अंदर कल के दिन थोड़े से रेस्पाइट जरूर मिला है चेन्नई में बारिश को लेकर। और यहाँ पे UK ने दोस्तों इंक्लूड कर लिया है कोवैक्सीन को भी अपने लिस्ट ऑफ वैक्सीन के अंदर। आपको मालूम है, अब इंडियन ट्रैवलर जो कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जिन्होंने लगा रखी थी, अभी वो UK ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी सेल्फ आइसोलेशन उनको वहां पे रखने की जरूरत नहीं है, है ना, काफी अच्छी बात है। चलिए, पंजाब के एडवोकेट जनरल को रिमूव कर दिया गया, जब सिद्धू जी काफी टाइम से इस डिमांड पे अड़े हुए थे, चन्नी जी ने फाइनली उनका डिसीजन माना। इसके अलावा यहाँ पे मॉनिटरिंग करी जा रही है चाइनीज के असेट्स की इंडियन ओशन के अंदर। तो हम लोग चाह रहे हैं कि चाइनीज का कितना असेट्स है, चाइनीज कितना इंट्रूड कर चुके हैं इंडियन ओशन में, उसके बारे में पता करें, तो वही है जो कि यहाँ पे दोस्तों बताया गया। ओके, गोवा के मैरिटाइम कॉन्क्लेव भी अभी हुआ था ना, जहाँ पे सारे इंडियन ओशन के जो अपने चीफ है वो सारे यहाँ पे नेवी के आए हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के बीच में ट्रेड चार्जेस है, नई रिपोर्ट जो राफेल पे आई उसको लेकर,
और यहाँ पे दोस्तों एक क्रिमिनल एक न्यूज है। तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे यही वाली न्यूज है जो कि तुम्हें डिस्कस करने लायक है, बाकी तो कुछ ऐसा खास है नहीं। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूजडे को दोस्तों गवर्नमेंट से बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उन्होंने ये टास्क क्यों पाली हुई है कि क्या इनफ्लो आ रहा है, क्या आउटफ्लो हो रहा है, एनजीओ के एनजीओ के अंदर इंटरनेशनली कोई भी अगर फंड आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, ओके एफसीआरए बोलते हैं इसको, फॉरेन रेगुलेटरी एफसीआरए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ओके तो उसके तहत कौन सा पैसा आ रहा है, कौन सा जा रहा है। ये होल ऑपरेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंडर में है, जो कि होना चाहिए। तो जस्टिस दोस्तों खानवालकर जी के द्वारा ये बात है, जो कि 3 जज की बेंच है जिन्होंने ये फैसला यहाँ पे सुनाया। और सॉलिसिटर जो है अपने सॉलिसिटर जनरल कौन है अभी, तुषार मेहता जी, देखो जो अपने फर्स्ट लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया जिनको अपन कहेंगे, तो वेणुगोपाल साहब है, उनके नीचे जो सॉलिसिटर जनरल है वो तुषार मेहता है जो कि सेकंड रैंक के ऊपर है। तो उन्होंने सरकार की तरफ से यहाँ पे पैरवी है जो कि करी। एक्चुअली के अंदर दोस्तों ये जो मामला हुआ है ना वो 2020 के अंदर एफसीआरए के अंदर जो चेंजेस करे गए उसके वजह से हुआ है। 2020 में एफसीआरए के अंदर काफी सारे चेंजेस करे गए, काफी मुश्किल बना दिया गया फॉरेन से पैसा इंडियन एनजीओस को मिलने को लेकर। तो उस वाले मामले को जो है, उसी पेटिशन को जो है ये लोग यहां पे सुन रहे थे। ओके अगर कोई एनजीओ कोई पैसे को कहां पे यूज कर रहा है कहां नहीं कर रहा है तो इसको लेकर चेक किया जाए, वो बिल्कुल ठीक है। और सरकार के द्वारा बोला गया कि भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ना आईबी, उनके इनपुट थे कि फॉरेन फंड को जो है वो सही तरीके से काम में नहीं लिया जा रहा, डिस्टेबलाइज किया जा रहा है नेशनल पीस और सिक्योरिटी को। तो ये बात है जो कि आप सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने कही है। तो हर चीज के अंदर जो है तुषार मेहता जी वैसे सिक्योरिटी को ले आते हैं, ओके चाहे फिर वो अपने डाटा को लेकर हो, पेगासस को लेकर हो, चाहे ये वाले मुद्दे को लेकर हो। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। देखो हमारे देश में अगर एनजीओ के बारे में बात की जाए तो प्रॉब्लम यही है, हमारे देश में जितने स्कूल नहीं है ना पर पर्सन के हिसाब से उससे ज्यादा एनजीओ खुले हुए, और सारे के ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड रूट के ऊपर काम ही नहीं कर रहे। यही वजह है हम लोग जो है इतने आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर हमारे जो टोटल देश में एनजीओ के 10% भी अगर सही तरीके से काम करने लग जाए तो हमारे देश में की रूपरेखा कुछ अलग ही हो जाए। प्री इंडिपेंडेंस से पहले दोस्तों सोशल वेलफेयर कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर गांधी जी की फिलॉसफी से बहुत लोग इंस्पायर थे और सच में बहुत काम किया करते थे देश के इंडिपेंडेंस के इंडिपेंडेंस से पहले। खादी के अंदर सेल्फ रूल को लेकर, ओके गांव में चरखा चलाने को लेकर, रोजगार को लेकर ये बहुत काम किया करते थे। 50 से 70 के बीच में भी दोस्तों गवर्नमेंट ने फंड देना चालू किया, मैनेज करना चालू किया एनजीओ को, जैसे कि खादी इंडस्ट्रीज है। 5 साल का डेवलपमेंट प्लान बनाया गया जिसके अंदर बोला गया कि भाई कई देश के जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए कंट्री के अंदर। 90s की बात करें तो कई सारी सिविल सोसाइटीज बनी, 70 पहुंच गई उसके बाद में। लेकिन जो 1990 से 2005 के बीच में दो बम्बार्डमेंट हुआ दोस्तों हमारे देश के अंदर, एनजीओ का तादाद जो है वो गोली की स्पीड से बढ़ी है ना। और अगर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक पुलिस वाला 950 लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला है, लेकिन 600 लोगों के ऊपर एक एनजीओ है जो कि ओपन कर रखा है किसी ना किसी ने। इसके अंदर से 99% जो है वो या तो बस नाम के लिए खुले हुए हैं या उसके अंदर लोग ब्लैक टू व्हाइट कर रहे हैं, बस सिंपल सी कहानी है जो कि है। अदरवाइज के अंदर काफी पॉसिबिलिटीज है कि हमारे कंट्री के अंदर काफी डेवलपमेंट हो सकता है। आप देखोगे यूपी के अंदर मैक्सिमम 5.5 लाख के आसपास है, और यूपी के आपको मालूम है कंडीशन, केरला के अंदर 3.5 लाख के आसपास, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तो ये टॉप 5 स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा लिस्टेड है ना। और टोटल मिला के कोई 33 लाख के आसपास एनजीओ है जो कि हमारे देश में खुले हुए हैं है ना। सीबीआई ने 20 लाख एनजीओ जो है वो कंट्री में जो है वो बताए थे, और उसके अलावा 13 लाख के आसपास जो है वो स्टेट के अंदर बताए थे। चलो ठीक है आगे बात करें तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस करे थे। चलो तो यहाँ पे सबसे पहला चेंज किया था कि कोई भी फॉरेन डोनर जो है अगर वो मनी इंडिया में किसी एनजीओ में ट्रांसफर करता है तो पहले उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। ये बोलते ही 80 इंटरनेशनल एनजीओ जो है वो इस लिस्ट के अंदर आ गए। सेकंड ये कि एफसीआरए के तहत है ना अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो एटलीस्ट 3 साल वो पुराना होना चाहिए और मिनिमम 15 लाख रुपए उसने कोर एक्टिविटीज के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर खर्चा है जो कि किया होना चाहिए। इसके अलावा जो भी एनजीओ है वो सबमिट करेंगे कमिटमेंट लेटर उनके डोनर के अमाउंट का। इसके अलावा दिल्ली के अंदर ही अकाउंट खुलेगा एसबीआई के अंदर, पहले दिल्ली में पैसा आएगा उसके बाद बाकी जगह पे जाएगा। तो ऐसे कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए और बहुत सारे एनजीओ के एफसीआरए सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिए गए उसकी वजह से। ठीक है गाइस
चलो तो ये बात है जो कि आप पे बोली गई है, उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हम लोग यहां पे बात करेंगे किसको लेकर, यहां पे पुलिस के बर्डन को लेकर। तो डेटा पॉइंट के अंदर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात ये बताई गई है कि पुलिस के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन है। रिसेंटली दोस्तों एक सवाल जो पेपर में आपसे बन सकता है वो ये बन सकता है कि कौन से राज्य ने रिसेंटली वन डे ऑफ कंपलसरी कर दिया है उन लोगों के ऊपर जो पुलिस के अंदर रहते हैं, जो पुलिस के अंदर काम करते हैं, कौन से राज्य ने ऐसा किया है। ठीक है गाइस, तो देखिए अभी यहां पे तमिलनाडु ने जो है वो सैंक्शन कर दिया वन डे ऑफ वीकली ऑफ हर एक पुलिस वाले के ऊपर जो कि हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की रैंक है, अप टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल तक की रैंक जो के नीचे जितने भी लोग हैं ना उनको वन डे ऑफ है जो कि कंपलसरी कर दिया है ताकि वो हेल्थ और अपना थोड़ा टाइम फैमिलीज के साथ में जो है वो बिता सके। 2019 के अंदर एक सर्वे किया गया था जिसमें 80% लोगों ने ये बोला था कि वो 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और वर्कलोड उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है आप सभी को भी मालूम है ना। सूरज यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर भोपाल में 12 बच्चे हॉस्पिटल में मर गए थे, दहेंदू ने कवर नहीं किया। यार ये न्यूज ऑलरेडी कवर हो चुकी है सूरज, एक दो दिन पहले की न्यूज है एक्चुअली के अंदर ये, है ना। ठीक है चलो, तो वो एक दो दिन पहले की न्यूज है, वो कवर हो चुकी थी, हमने बात भी करी थी। ठीक है, तो यहां पे ये बात हो चुकी है। अब देखो वीकली ऑफ के बारे में बात करें तो 51% ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि सर्वे में बताया गया उनको कोई वीकली ऑफ ही नहीं मिलता। पुअर वर्क लाइफ बैलेंस है जो कि यहाँ पे दोस्तों बताई गई है। 56% ने कभी पिछले काफी टाइम से कोई लॉन्ग हॉलीडे नहीं लिया, 41% लोगों ने कभी रिलेटिव के पास नहीं गए। तो यहाँ पे डेटाज है जो कि बताए गए। तो मॉडल पुलिस एक्ट के अंदर ये बात बोली भी गई है, मॉडल पुलिस एक्ट है जिसके अंदर ये बात बोली गई है कि एक पुलिस वाले को 8 घंटे ही काम करना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 37% लोग जो है 9 से 12 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल है जो कि यहाँ पे बताया गया है फिगर्स, जिसके अंदर बोला गया है कि यहाँ पे जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रोवाइज करने के लिए पुलिस वालों के लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज किया जाए। ठीक है चलो आगे बात करते हैं, पेज नंबर 11 की बात करें तो हरि कुमार जी के बारे में बात करेंगे। तो हरि कुमार जी दोस्तों हमारे नए नेवी के चीफ है जो कि बनने वाले हैं। क्या हो रहा है ये बार बार, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ब्लैक स्क्रीन आ रही है ना। हाँ मुझे मालूम है, होल्ड ऑन जस्ट गिव मी अ सेकेंड, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है अब नहीं आएगी। ठीक है एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज, अपने व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे सब जगह पे एक बार शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। चलो तो यहाँ पे आप सभी को मालूम ही है कि अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की दिल्ली में मीटिंग कराई गई जहां पे कई सारे सेंट्रल एशिया, रशिया, ईरान, कई सारे एनएसए आए, बस यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना दो लोगों के एनएसए जो है वो नहीं आए, है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है कि वाइस एडमिरल हरि कुमार जी जो कि प्रेजेंटली फ्लैग ऑफिसर है कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड के, तो उनको नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है जो कि अपॉइंट करने वाले हैं। ये 30 नवंबर को दोस्तों जगह लेंगे किसकी, करमबीर सिंह जी की जो कि रिटायर होने वाले हैं। ओके गाइस ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो 1981 के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर ये रिक्रूट है जो कि करे गए थे। इसके अलावा 39 ईयर का इनका करियर है जो कि पूरा रह चुका है। अगर आप बात करेंगे नेवल चीफ के हमारे, तो 3 साल या 62 एज जो भी पहले हो जाए वो इनका टेन्योर है, ध्यान रखना। आर्मी एयरफोर्स और नेवी के चीफ हो, चाहे आपके एयरफोर्स के हो चाहे आपके आर्मी के हो, तीनों का सेम क्राइटेरिया है, सैलरी सेम है 2,50,000 रुपए। इसके अलावा है ना 3 साल या 62 ईयर विच एवर इज अर्लियर, और अपॉइंटमेंट कमिटी है कैबिनेट की, वो इनको अपॉइंट करवाते हैं, रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को और अपने CDS को रिपोर्ट है जो कि करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1926 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन है जो कि हुआ था। 47 से 48 जब देश की आजादी हुई तब हम लोग, हमारी इंडियन नेवी जो था वो रॉयल इंडियन नेवी थी, वैसे रॉयल एयरफोर्स हुआ करती थी ना वैसे ही रॉयल इंडियन नेवी थी। तो उस टाइम पे एडमिरल जो थे वो जॉन टेलबॉट थे। उसके बाद में 48 से 50 के बीच में भी टेलबॉट है वो रहे। उसके बाद में 50 के बाद में हमारे सर विलियम एडवर्ड थे जो कि 1 साल के लिए रहे, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो बनाए गए वो एक्चुअली में 1955 के अंदर है जो कि बनाए गए। उस टाइम पे भी सर चार्ल्स थॉमस करके जो कि हुआ करते थे वो 111 दिन तक रहे, फिर 2 साल के लिए स्टीफन रहे, फिर आए फाइनली रामदास कटारी जी, ये 4 साल के लिए जो है वो हमारे चीफ रहे।
तो ये कुछ नंबर है जो कि आपको पता होने चाहिए। दो तीन नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो जॉन का नाम ध्यान रखिएगा और एक रामदास जी का ध्यान रखिएगा, दो तीन नाम आपके लिए सफिशियंट है। आगे बात करें पेज नंबर 13 की, यहां पे हम लोग बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर, और इसके अलावा बांग्लादेश ने उनके ही चीफ जस्टिस को 11 साल की जेल है जो कि हो गई है। बांग्लादेश के फॉर्मर चीफ जस्टिस को 11 साल की जेल है जो कि करप्शन के चार्जेस में हुई है। अपोजिशन लीडर्स का यह कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनका नाम है सुरेंद्र कुमार सिन्हा, 70 साल के हैं, 2017 के अंदर उससे पहले जो है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि किसी भी देश में चीफ जस्टिस को इतनी बड़ी सजा हो जाए। चलो आगे बात करें तो यहाँ पे फेसबुक के विसल ब्लोअर ने और भी खतरनाक है जो कि मेटावर्स को बताया। आपको मालूम है ना मेटावर्स आ चुका है, फेसबुक ने अपना नाम भी चेंज कर दिया है मेटा। अभी फेसबुक और हायर टेक्नोलॉजी के ऊपर चले गया है। आपको मालूम होगा कि अभी तो आप क्या करते हो, सिर्फ कमेंट के अंदर बातें करते हो लोगों से, मालूम है ना आपको, आप क्या करते हो कमेंट से बातें करते हो, कोई जगह का वीडियो देख लेते हो, इतना ही कुछ होता है। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है वीआर के ऊपर चलेगा फेसबुक, जा रहा है वीआर के ऊपर, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर। मतलब कुल मिला के आप क्या करोगे, जैसे कि आपको किसी से मिलना है या आपको किसी से बात करनी है, तो आप और वो पर्सन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो वो वीआर से जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। आपको गियर बॉक्स बाद में लेने होंगे फेसबुक के या कोई दूसरी कंपनी के जो भी होंगे, तो उसके बाद में बिल्कुल आपको इस तरीके से दिखाएंगे कि आप सामने वाले से फेस टू फेस बात कर रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो तो बहुत ही हाई तगड़े वर्चुअल रियलिटी के साथ में खेल रहे हो, अगर आप कमेंट में बात भी कर रहे हो तो भी दो लोग आपको बिल्कुल सामने सामने नजर आएंगे। तो इस लेवल की टेक्नोलॉजी के ऊपर है जो कि ये जाने वाला है। पहले लोग जाके मिलते थे, अभी ये वर्चुअली आपको मिलाएंगे घर बैठे दो लोगों को, और दुनिया बदलने वाली है। मतलब कुल मिला के फेसबुक ने पहले भी किया और अभी भी, तो ये और भी ज्यादा, विसल ब्लोअर ने बोला है कि और भी ज्यादा खतरनाक चीज है। मतलब चलो ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट, चाइना ने मंडे को डिलीवर किया पाकिस्तान की नेवी को एक मोस्ट एडवांस्ड चाइनीज वॉरशिप, और ये सबसे बेस्ट वॉरशिप है जो कि अभी तक की चाइना ने पाकिस्तान को दी है। इंडियन ओशन के अंदर इन्होंने डिप्लॉय किया है। इनका कहना है कि हमारी नेवी कैपेबिलिटी इससे काफी बढ़ जाएंगे और मैरिटाइम चैलेंजेस को हम लोग इजिली देख सकते हैं। तो ये 054 फ्रिगेट नाम से है, लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो कि मिलिट्री कॉपरेशन का चाइना और पाकिस्तान के बीच में देखा गया है। इन्होंने इसका नाम बदल के जो रखा है वो इन्होंने रखा है पीएनएस तुघ्रिल। ये नाम है जो कि पाकिस्तान ने, कि नेवी ने इस वाले 054 फ्रिगेट का जो है वो रखा हुआ है। नेवी की बात करें तो नेवी की कैपेबिलिटीज पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए ये 4 फ्रिगेट इन्होंने ऑर्डर करे हैं, उसमें से अभी एक है जो कि इनको मिला हुआ है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो चाइना, जितना चाइना और इंडिया की नेवी में फर्क है उतना ही इंडिया और पाकिस्तान की नेवी में फर्क है, समझ गए। तो हमारा कंपटीशन कभी पाकिस्तान है ही नहीं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं ये बात, हमारा कंपटीशन चाइना है। पाकिस्तान से हमें कोई किसी एक पर्सन से भी कोई थ्रेट नहीं है, मतलब चाइना पाकिस्तान के को हम दुनिया से रवाना कर सकते हैं अगर कल को कोई ऐसी स्थिति हो गई तो, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप देखोगे नेवी की तो यहाँ पे 295 वेसल है हमारे पास में, पाकिस्तान की टोटल नेवल 197 के आसपास है। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास 3 है, इनके पास 0 है। 11 डिस्ट्रॉयर है, इनके पास 0 है। कोवर्ट 23 है, इनके पास 0 है। सबमरीन हमारे पास 15 है, इनके पास 8 है। लेकिन अगर मैं वही चाइना के पास जाता हूँ तो चाइना के पास में हमारे से काफी ज्यादा है, नेवल एसेट 714, नियर बाय 2.5 गुना ज्यादा। एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास कम है, डिस्ट्रॉयर हमसे 3 गुना, कोविड्स भी थोड़े ज्यादा है, और सबमरीन में हमसे नियर बाय ये भी 3 से 4 गुना ज्यादा सबमरीन है जो कि चाइना के पास में है। चाइना और इंडिया में भी अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन जो एक चीज दोनों को कंपैरेटिवली बनाती है इंडिया और चाइना को वो ये कि चाइनीज लोग जो है वो इतने ट्रेंड नहीं है। चाइनीज ने वॉर बहुत ही कम लड़ी है, अगर दुनिया में सब वन ऑफ द टॉप 5 जो ट्रेंड आर्मीज मानी जाती है वो इंडिया पाकिस्तान उसमें से दोनों आती है, और इंडियन आर्मी ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, उनको पूरे ऑपरेशंस मालूम है, उनको कैपेबिलिटीज मालूम है। तो ये इंडिया को एक बहुत ज्यादा एक्सटर्नल एज है जो कि चाइना के ऊपर देता है ना। इनके नंबर्स बहुत ज्यादा है लेकिन एक्सपीरियंसेस के अंदर हमारी आर्मी ज्यादा है, इसी वजह से हम लोग चाइना से थोड़ा कम्पीट है, जो कि कम नंबर होने के बाद में भी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 की बात करें तो न्यू कैप्टन न्यू कोच के साथ में इंडियन क्रिकेट टीम वापस से जो है अपना क्रिकेट स्टार्ट करने वाली है। 17 नवंबर को जयपुर में मैच है, इंडिया न्यूजीलैंड का T20 मैच है, और कोहली को रेस्ट दिया है, रोहित शर्मा है जो कि कैप्टन बनेंगे। संजय बांगड़ RCB के हेड कोच जो कि बन गए हैं। इसके अलावा
यहाँ पे सन्नोबत के बारे में बात करेंगे और एक और छोटी सी न्यूज है इसके बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान के एक बैटर है आसिफ अली और आयरलैंड के ऑलराउंडर है लॉरा, तो इन दोनों को आईसीसी मेल एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ का अक्टूबर मंथ का अवार्ड है जो कि मिल गया। आपको मालूम है ना हर मंथ एक मेल और फीमेल में से अवार्ड है जो कि मिलता है। तो बेस्ट प्लेयर का यहाँ पे आसिफ अली है और उसके अलावा यहाँ पे फीमेल के अंदर लॉरा है। अगर इसके अलावा संजय बांगड़ आरसीबी के हेड कोच जो कि बन गए हैं, फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर थे और इससे पहले इंडियन क्रिकेट टीम के साथ में भी थे और अभी इनके साथ में, पहले जो थे वो माइक हसन थे। आगे बात कर रहे हैं सोनाबत को लेकर, तो राही सोनाबत आपको मालूम है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त शूटर है हमारी इंडिया की। तो ये इन्होंने सिल्वर मेडल है जो कि वुमेन के 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट है जो कि प्रेसिडेंट कप शूटिंग चैंपियनशिप हुई है पोलैंड के अंदर, वहां पर ये सिल्वर मेडल है जो कि जीता है, है ना। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मनु भाकर भी फाइनल में थी लेकिन वो 6th नंबर के ऊपर रही, तो आपको पेपर में राही के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा ये शूटिंग से बिलोंग करती है। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये देखिए फेसबुक के बारे में बताया गया सबसे ऊपर कि तीन स्टाफ के लोग थे फेसबुक के, उन्होंने बोला था कि 2019 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे पोलराइजिंग कंटेंट है जो कि इंडिया में चल रहा है, हेट स्पीचेस चल रही है, लेकिन फेसबुक ने ये बोला नॉट ए प्रॉब्लम, बोला चलने तो ऐसी चीजें ज्यादा सर्कुलेट होती है, इससे यूजर ज्यादा आएंगे हमारे पास में, ज्यादा ऐसी पोस्टें वायरल होगी, तो यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है ओके, इसके अलावा इस पेज के ऊपर तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो ये आपको कुछ फोटोज दिख रही होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है, आपको दिख रहा होगा ये आइसलैंड की फोटो है, यहाँ पे आपको ये आइस नजर आ रही होगी, लग रहा है क्या आपको, ऐसा लग रहा है कि आपको ये आइसलैंड वाला फील नहीं आ रहा आपको, कोई अंटार्कटिका आइसलैंड, अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो बिल्कुल आना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये आपका जजमेंट जो है वो गलत है, ये कोई आइसलैंड या कोई अंटार्कटिका या फिर कुछ ऐसी कोई जगह नहीं है, नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क का ऊपर का एरिया भी नहीं है, ये दोस्तों हमारी यमुना रिवर है। ठीक है, तो ये यमुना रिवर है और यहाँ पे देखिए जो बाबा जी है ये कोई अंटार्कटिका में बोट लेके नहीं बैठे, ये यमुना रिवर के अंदर दोस्तों बोट लेके बैठे हैं और ये जो है ये सारा का सारा फॉर्म है जो कि रिवर के अंदर बना हुआ है। ये देखियो ये जो आंटी है दोस्तों ये कोई आर्टिक या अंटार्कटिका के अंदर नहीं बैठी हुई है साड़ी पहन के, ये हमारे ही दोस्तों यमुना रिवर के अंदर, ये पॉल्यूशन है जिसकी वजह से आपको देखने को मिले, भाई जो नहा रहा है यहाँ पे उसको पता नहीं है कि ये पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, इसको लग रहा है कि मैं कोई शावर ले रहा हूँ तगड़ा वाला कोई। ठीक है गाइस, तो ये जो रिसेंटली सीन आपको यमुना के अंदर दिल्ली में ओखला के आसपास जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं उसका कारण है जो कि यहाँ पे बताया गया इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अंदर। ये मैं इसलिए कवर करवा रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने अभी 6 महीने 1 साल पहले एक पीसीएस का एग्जाम था उसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन जो है इसके ऊपर देखे थे, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था कि ये फॉर्म जो है वो किस कारण से बनता है दिल्ली के अंदर यमुना में, दूसरा इसके ऊपर मीन्स लिखने के लिए भी आया था, तो इसीलिए मैंने इसको कवर करवा रहा हूँ, यहाँ पर अच्छा खासा रीजन बताया गया है। तो देखिए कैपिटल के अंदर आपको इस तरीके का फ्रॉक जो है ना फॉर्म यह आपको फ्लोट करता हुआ यमुना रिवर में कालांडी कुंज के आसपास देखने को मिलेगा। छटके डिवोटीज ने भी ऑफर करा यहाँ पे प्रेयर और इस वाले पानी के अंदर उनको दोस्तों प्रेयर है जो कि करनी पड़ी, और ये जो साइन है ये जो आपको दिखता है ना पूरा ये फॉर्म ये पॉल्यूशन का साइन है, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन है यहाँ पे फॉस्फेट्स के 13 mg पर लीटर और सर्फेक्टेंट्स के, ये आपको देखने को मिलता है। तो अगर पेपर में कल को वापस से सवाल आए किसी दूसरे एग्जाम में कि इसका कारण क्या है, तो ये आपके फॉस्फेट है जो कि इसका कारण है, सर्फेक्टेंट्स है जो कि इसका कारण है। एक्चुअली के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे यूपी यहाँ पे हरियाणा यहां से भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है और बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड है जिनके वहां से सीवेज से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है जो कि यमुना में मिल जाता है, उसके बाद में दिल्ली का भी एडऑन हो जाता है, तो तीनों राज्यों का एडऑन होके ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब ये स्टार्ट होता है दिल्ली में भी फॉर्मेशन होने लगता है क्योंकि वहां पे एक सर्कुलर है, तो उस जब वो घूमता है उसको क्लीन करने के लिए, तो फॉस्फेट होने की वजह से सर्फेटेंट होने की वजह से इसका फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको पूरे दिल्ली में तो नहीं लेकिन हाँ कुछ स्टार्टिंग के जो लोकेशन है दिल्ली में जब आता है तब आपको ये देखने को मिलते हैं ओखला ओखला एरिया के आसपास, तो नजफगढ़ ड्रेन और जो यूपी का एरिया है वहां पर भी आपको देखने वहां से सीवेज आपको देखने को मिलेगा। तो ओखला बैराज है वहां पे 12 mg पर लीटर के आसपास कंसेंट्रेशन है जो कि देखने को मिलेगा। निजामुद्दीन बैराज है ना, इसके अलावा पल्ला है, हाईएस्ट लेवल आपको नजफगढ़ ड्रेन के अंदर है जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे सर्फेटेंट और फॉस्फेट जो आता है ये किस कारण से आता है, ये आता है आपके सोप की वजह से।
कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी सोप का वाटर है वो अनट्रीटेड आएगा, या घरों में से सोप का वाटर अगर अनट्रीटेडली रिवर में चले जाएगा, तो ये आपको ऐसे कंसिक्वेंसेस है जो कि देखने को मिलता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे अनट्रीटेड या पुअरली ट्रीटेड इफ्लुएंट जो है सीवेज के जो आते हैं सिटी में से, या डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसकी वजह से ये आपको देखने को मिलता है ना। तो ये पूरी बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। ये जो टर्बुलेंस होता है ये बैराज के पास में होता है, ओखला के पास में, जिससे जनरेट होता है फॉर्म, फॉस्फेट से बनता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं CISF और NDRF को लेकर। दोनों के नए चीफ है जो कि अनाउंस करे गए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके नए CISF के चीफ, तो यहाँ पे किसको बनाया गया है, गवर्नमेंट ने ट्यूजडे को अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल डायरेक्टर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो शीलवर्धन सिंह। तो शीलवर्धन सिंह को तो नया CISF के डायरेक्टर जनरल बनाया गया, और नेशनल पुलिस एकेडमी के जो डायरेक्टर है वो अतुल कारवाल जी को बनाया गया है, नेशनल पुलिस एकेडमी डायरेक्टर अतुल कारवाल जी। ये तो नहीं आएगा NDRF के, लेकिन हाँ आपको CISF के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। CISF के बारे में बात करें, 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ, 1.5 लाख एक्टिव पर्सनल है, 10,000 करोड़ का बजट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। CISF एक्ट 1968 के अंदर, ठीक है, अमित शाह जो है यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर है, सुधीर कुमार सक्सेना जी जो इसके डायरेक्टर अभी बने हुए थे और अभी चेंज है जो कि हो गए हैं। मैंने आपको शीलवर्धन सिंह के बारे में बता दिया है, बाकी ये तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स वाला है। आगे बात करते हैं जो कि है अफ्रीका और इंडिया को लेकर। आपको मालूम है COP26 के अंदर बातचीत हुई है कि हमें क्लाइमेट को कंट्रोल करना है, सारे देशों ने बड़ी बड़ी फैक्ट दी, 2050 तक कंट्रोल करेंगे, 60 तक करेंगे, 70 तक करेंगे, लेकिन वो ये कि जब तक वो कॉप मीटिंग में थे तब तक ये बातें थी, उसके बाद वापस से काम उनको वही करना है जो करना है। अगर हर ईयर का टारगेट होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा करने में भी, और जेन्युइनली पता लगता कि हर कंट्री कितना सीरियस है इसके ऊपर। तो यहाँ पे फाइनली जो है इंडिया और अफ्रीका ने भी अपना ट्रम्प कार्ड अब खेल दिया और बोल दिया कि भैया डेवलप कंट्रीज को, जो कि डेवलप हो चुके हैं और उन्होंने इतना कार्बन इमिशन कर दिया है, अब जब हमारे करने की बारी, हमारे डेवलपमेंट होने की बारी आ रही है तो आप मना कर रहे हो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल ही सबसे ज्यादा ग्रोथ का कारण है जो कि माना जाता है सबसे चीपेस्ट और सबसे ज्यादा अवेलेबल। तो 1.3 ट्रिलियन दोस्तों डॉलर है जो कि पर ईयर का पैसा है जो कि इंडिया और अफ्रीका ने मांगा है क्लाइमेट फाइनेंस करने के लिए अमीर देशों से, यानी कि जो डेवलप्ड देशों से। यहां पे ग्रुप बना हुआ है LMDC, आपसे पेपर में पूछेंगे LMDC क्या होता है, ये लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज है। क्या नाम है, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, एक जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनको ये नाम दिया गया है। इसके अंदर आपके चाइना भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस और भी कई सारे कंट्रीज है। टोटल मिला के 24 कंट्रीज आपको LMDC में देखने को मिलते हैं। इंडिया भी इसका वन ऑफ द पार्ट है और इन सब ने बोला है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर का फंड है जो कि अवेलेबल करवाया जाए हर साल डेवलप कंट्री के द्वारा, तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, हमारे गोल्स को अचीव है जो कि कर पाएंगे। अब डेवलप कंट्री ये पैसा देते हैं कि नहीं देते ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, और क्या डेवलपिंग कंट्रीज इस पैसे के बिना भी अपनी कंट्री के अंदर क्लाइमेट को लेकर काम करते हैं कि नहीं करते, ये भी आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर नॉर्मली सब कुछ क्लियर हो जाएगा स्थिति की, कौन क्या करना चाह रहा है, कौन नहीं करना चाह रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी इसके अंदर काफी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्विच कर सके, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आ सके, तो फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे खैर, लेकिन हाँ ज्यादा बेटर होता अगर थोड़ा स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो किया जाए। इसी को लेकर दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो रिपोर्ट भी आ गई है, जिसके अंदर स्वीडन और UK ने लीड किया है दोस्तों। 17th एडिशन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 रिलीज हुई न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा रिलीज करी गई ट्यूजडे को। इसमें मॉनिटर किया गया है 57 कंट्रीज की प्रोग्रेस और यूरोपियन यूनियन की, जिसमें स्वीडन ने टॉप किया और मोरक्को, UK, इनकी भी रैंकिंग काफी हायर है जो कि बताई गई। फर्स्ट 3 रैंक जो है वो बिल्कुल खाली रखी गई है, क्योंकि किसी ने भी इतना अच्छा काम नहीं किया कि टॉप 3 के अंदर है जो कि पहुंच सके। ओके, बॉटम रैंक कंट्री US देयरफॉर वाज प्लेस्ड, USA इसमें 61 के ऊपर है और है ना, और फर्स्ट 3 रैंकिंग जो है वो इसके अंदर खाली रखी गई है। ओवरऑल रैंकिंग के अंदर हम लोग 10वें नंबर के ऊपर है, हमारा स्कोर 63 है, और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम लोग है ना, हमने हमारे परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी, ये लोग तो बता रहे हैं कि मीडियम कैटेगरी की है जो कि रही है। और हमें जो बेनिफिट मिला है इस रैंकिंग के अंदर वो किस चीज का मिला है कि हमें लो पर कैपिटा इमिशन का मिला है। आपको मालूम है हम लोग इमिशन तो बहुत करते हैं, थर्ड लार्जेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है
तो जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा हमारी कम हो जाती है, तो उसका फायदा हमें इस रिपोर्ट के अंदर मिला है। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर है जो कि बताया गया। इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन स्वीडन, इजिप्ट, चिली एंड यूके, ये टॉप 7 के अंदर है और हम लोग 12वें नंबर के ऊपर है, ये यहाँ पे बताया गया। आप देख सकते हैं रैंकिंग है, ऊपर के जो टॉप के 3 है वो उनको एम्प्टी रखा गया है, तो चौथे नंबर की जो रैंक है वही नंबर 1 है, तो स्वीडन है, फिर यूके, फिर डेनमार्क, मोरक्को, हम लोग 10th के ऊपर है ना। और वैसे ग्रीन हाउस गैसेज, और इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह कि यूएसए जो है वो सबसे लास्ट में है, जबकि यूएसए को काफी काम करने की जरूरत है और एक बता एक सच में उसको एक एग्जांपल सेट करने की जरूरत है। और ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन की बात करें तो इसमें भी स्वीडन नंबर 1 के ऊपर है, यानी कि टॉप 3 में, और इसमें जो हमारी रैंकिंग है वो 12वें नंबर के ऊपर है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक की नो कंट्री परफॉर्म्ड वेल इनफ इन ऑल कैटेगरीज, सारी कैटेगरी में किसी ने अच्छा नहीं किया, इसलिए 3 पोजीशन खाली छोड़ी गई है। आगे बात करते हैं, महिंद्रा लॉजिस्टिक ने मेरू कैब को खरीद लिया, लावा जो है वो इंडिया का फर्स्ट ब्रांड जो कि 5G स्मार्टफोन लेके आ रहा है, ये बताया गया है। जनसत्ता की बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा फ्रंट पेज है, भोपाल के अस्पताल में आग लगने से 4 शिशुओं की मौत भी हो गई, अभी काफी आग है जो कि आजकल काफी सारे हॉस्पिटल में अहमदाबाद में कई जगह पे देखने को मिली है। और पर्यावरण संरक्षण जरूरी पर देश की रक्षा जरूरत है अहम, यहाँ पे 4 धाम परियोजना को लेकर बोला गया है। इस वाले पेज के ऊपर ऐसा कुछ भी खास नहीं है। और अभी आपको मालूम है कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में एक मंदिर पे अटैक हुआ था, तो उस मंदिर को जिन लोगों ने किया उन्हीं से ही $2,00,000 का हर्जाना वसूल कर वापस से जो है यहाँ पे बना के यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इसको वापस से इनॉग्रेट किया। चलो ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे पेट्रोलियम कंपनीज को लेकर, तो एक अच्छा इनिशिएटिव और आपके एग्जाम के लिए एक और अच्छा क्वेश्चन जो कि है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लेकर, IOC को लेकर। IOC और 2 अन्य पेट्रोलियम कंपनियां कौन कौन सी, HPCL है और साथ में आपकी BPCL है, ये 3 कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक स्टेशन है जो कि आने वाले 3 से 5 सालों में 22,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है जो कि लगाएगी, और 2070 तक हम लोग जो नेट कार्बन इमिशन 0 की बात कर रहे हैं उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। ये बहुत ही लार्ज इनिशिएटिव होगा, अगर हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर चार्जिंग स्टेशन सब जगह पे अवेलेबल हो गए तो यकीन मानो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि जयपुर में क्या हुआ, CNG, अभी पहले CNG था नहीं, अभी जयपुर में 10-11 स्टेशन CNG के लग गए, 8 गुना ज्यादा डिमांड है जो कि CNG की हो गई, ओके, मुश्किल से 6 महीने के अंदर, क्योंकि CNG आपको पड़ता है 62 पर केजी पर लीटर के हिसाब से, है ना, 62 रुपये पर लीटर, पेट्रोल हो चुका है 120 रुपये के आसपास, और इसमें एवरेज भी CNG में, तो लोग CNG पे कन्वर्ट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिक आ जाएगा तो लोग इलेक्ट्रिक पे भी हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहले अभी तो गाड़ियां महंगी है, दूसरा अगर गाड़ी लोग खरीद भी ले तो चार्जिंग स्टेशन नहीं है, कब तक आदमी पता लगा लेके गया 100-200 किलोमीटर, बीच में खत्म हो गई बैटरी, अब ढूंढ रहा है कि कहां पे लगाऊं उसको चार्ज। जनता भी ऐसी है कि मना और कर देगी, नहीं नहीं हमारे घर पे मत लगा देना गलती से भी। तो ये और मुश्किल है, तो इसीलिए चार्जिंग स्टेशन हर पेट्रोल पंप पे जब आने लग जाएंगे तब नॉर्मली आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चेंज है जो कि देखने को मिलेगा। चलो, और इसका मतलब लेकिन ये नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये जो कि देश में महंगाई को कंट्रोल करके रखता है, पेट्रोल डीजल बढ़े तो महंगाई बढ़ी, सिंपल सी कहानी है, क्योंकि जो ट्रैक्टर है और आपके जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स होते हैं ये सब पेट्रोल डीजल पे ही चल रहे हैं, अभी इनका इलेक्ट्रिक में आने में 10 साल लग जाएंगे। चलिए, तो देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है IOC के चेयरमैन श्रीकांत वैद्य ने कहा 3 से 5 सालों में 10,000 पेट्रोल पंप पर EV चार्जिंग स्टेशन है जो कि ये लोग अवेलेबल करवाएंगे, है ना। 2030 तक हम लोग 50% रिडक्शन करना चाहते हैं और बिजली क्षमता भी 50,000 मेगावाट जो है हमने करने का लक्ष्य है जो कि रखा हुआ है, तो ये बातें यहाँ पे बोली गई है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है जो कि उत्तराखंड के ने सेलिब्रेट किया स्टेटहुड डे, तो आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2000 के टाइम पे उत्तराखंड का फॉर्मेशन है जो कि हुआ 2007 में, उत्तरांचल इसका नाम था पहले तो, लेकिन उसका नाम 2007 में चेंज होकर उत्तराखंड है जो कि हुआ, है ना, 27वां स्टेट है जो कि ये भारत का दोस्तों बना था, 2000 में बना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो यूपी का था, कुछ हिमालयन माउंटेन रेंजेस का पार्ट है जो कि मिलके बना, इसका पहला उत्तरांचल नाम था, 2007 में नाम चेंज किया गया, और 21वां उत्तराखंड फाउंडेशन डे है जो कि अभी रिसेंटली मनाया गया है, और इसको लैंड ऑफ गॉड्स भी कहते हैं, है ना, उत्तराखंड स्टेट का जो उत्तराखंड को, और काफी रिच है ग्लेशियर के अंदर, स्नो क्लैप माउंटेन्स में, रिवर में, डेंस फॉरेस्ट में, काफी उत्तराखंड और वो फोरमोस्ट जो आपकी सेक्रेट प्लेसेस है दोस्तों उत्तराखंड के अंदर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो भी यहीं पे देखने को मिलती है, देहरादून के अंदर काफी स्कूल्स काफी अच्छे हैं।
चलो, और संस्कृत वर्ड से ही जो है इसका नाम है जो कि निकाला गया है। काफी लॉन्ग स्ट्रगल था उत्तराखंड क्रांति दल का। ये लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में जो क्रांति दल ने फोकस किया कि जो चैलेंजेस है हिली एरिया के लोगों के वो अलग है, तो उनको एक सेपरेट स्टेटहुड है जो कि मिलना चाहिए। स्ट्रगल काफी सालों तक कंटिन्यू रहा, फाइनली 2000 के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया है ना। वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट है जो कि माना जाता है। बॉर्डर की बात करें तो नेपाल, तिब्बत, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में बॉर्डर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फाउंडेशन वीक जो है 2019 के अंदर इनके द्वारा मनाया गया। आगे बात करते हैं लियोनिड्स को लेकर। लियोनिड्स मीटियोर शावर, आपको मालूम है क्या कि कई सारे आप लोगों में भी बचपन में ऐसा होता होगा ना कि जब टूटते हुए तारे को देख के आप लोग दुआएं मांगते होंगे कि मैं ये बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तो ये टूटते हुए तारे दोस्तों क्या होते हैं, मीटियोर ही होते हैं है ना, जो कि आपको देखने को मिलते हैं हर साल में देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग जगह पे, जहाँ पे क्लीन स्काई होता है, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, वहां पे आपको बहुत सारे टूटते हुए तारे देखने को मिलते हैं है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मीटियोर शावर बोलते हैं। शावर मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे एक साथ जो है वो आते हैं। तो ये अभी जो नवंबर के अंदर जो हमको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे लियोनिड्स को। लियोनिड्स का ये कॉन्स्टेलेशन है। क्या होता है कि स्पेस में हमारे है ना, यूनिवर्स में जो स्पेस में हमारे कई सारे कॉन्स्टेलेशन बने हुए होते हैं है ना, जैसे कि सप्तऋषि है उसी प्रकार से। तो अलग अलग नाम, अलग अलग महीने में जो शावर होती है इनकी मीटियोर के, उनको नाम दिया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी वैसे समझ लो। और नवंबर 6 से लेकर 30 के बीच में ये एक्टिव है जो के रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से कॉन्स्टेलेशन होता है। इस बार जो है नवंबर के अंदर जो है वो लियोनिड्स है जिससे ये शावर है जो कि आपको देखने को मिलेगी। पीक जो है कब होता है, जब अर्थ हमारी जो है ना, जो बहुत सारे मीटियोर के पास से गुजरती है। मीटियोर के भी छोटे छोटे से होते हैं, ये पत्थर टाइप होते हैं, तो ये मीटियोराइड है ना स्पेस के अंदर, तब उनके पास से जब हमारी अर्थ गुजरती है तब हमारे अर्थ के ऊपर ये देखने को मिलते हैं। काफी सारे कॉस्मिक डेब्रिश, एक तरीके से कचरा है जो कि स्पेस में घूम रहा होता है, तो वो हमें देखने को मिलता है। आप जहां पे क्लियर स्काई देखने को मिलेगा ना, वहां पे आप देख सकते हो। चलिए देखिए, स्मॉल कॉमेट है जिसका नाम PP5 है, तो उसके स्टार्टिंग से जो है ये देखने को मिलता है। और इनकी जो स्पीड है वो भी काफी खतरनाक होती है, 71 किलोमीटर पर सेकंड की इनकी स्पीड है जो कि देखने को मिलती है ना। लियोनिड्स जो है इसको फायरबॉल मीटियोर भी कहते हैं। बहुत ही ब्राइट कलर होता है, एक तरीके से टूटता हुआ तारा नहीं होता, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, आप एक वीडियो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ है जो कि समझ में आ जाएगा। पिटोलेमी, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि विशेष अगर कोई इनसे करता है तो उसकी पूरे होने के चांस होते हैं, क्योंकि एक तरीके से टीयर ऑफ द गॉड है ये, इविल से बचाने के लिए ये शावर है जो कि होती है। तो उसके बाद से ही एक तरीके से ट्रेडिशन बन गया कि लोग टूटते हुए तारे को देखकर विश मांगने लगे। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो कि हुई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी चीजें जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया की रैंक है जो कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के अंदर यहाँ पे बताई गई है। अभी रिसेंटली इनॉग्रल किया गया ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का, जो कि यहाँ पे एक हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा रिलीज है जो कि करी गई। इस इंडेक्स में बताया गया कि ड्रग को लेकर कौन सा देश की पॉलिसी जो है वो कितनी अच्छी और कितनी जबरदस्त है। तो यहाँ पे नॉर्वे, न्यूजीलैंड और पोर्चुगल, ये सारे इसके अंदर टॉप है। यूके, ऑस्ट्रेलिया लीडिंग 5 कंट्रीज है जिन्होंने इसके ऊपर काम है जो कि किया है। लोवेस्ट जो कंट्रीज की रैंकिंग वो है ब्राजील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मेक्सिको। तो ये ड्रग के ऊपर बताया गया। हमारी जो रैंक है 30 कंट्रीज के अंदर हम लोग मिडिल के अंदर है, 18वीं पोजीशन हमारी है, हमारा स्कोर 46 है ना। चलिए, यूज ऑफ एक्सट्रीम सेंटेंसिंग एंड रेस्पॉन्सेज है ना, यानी कि किसी को सजा देने को लेकर हमारी जो रैंकिंग है वो 63 नंबर है हमारे 100 में से। हेल्थ और हार्मफुल रिडक्शन के अंदर हमारे 49 नंबर है। क्रिमिनल जस्टिस में हमारे 38 नंबर है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप तो ये रैंकिंग याद कर लो, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस किया गया ड्रग पॉलिसीज को लेकर, उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर। 75 इंडिकेटर इसमें यूज करे गए, 5 ब्रॉड डायमेंशन जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया। क्रिमिनल जस्टिस है, हेल्थ और हार्म रिडक्शन है, इंटरनेशनली कंट्रोल मेडिसिन है, एक्सट्रीम रेस्पॉन्स है, डेवलपमेंट है, ऐसे 5 क्राइटेरिया इसके अंदर एड ऑन करे गए।
कई सारे दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर है जो कि वैसे इसको प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है, डेवलप किया गया हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। आगे बात करते हैं अर्थ फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन। देखो आपको मालूम होगा कि हमारी जो अर्थ है ना वो मिलियंस 200 500 700 मिलियन के अंदर कई बार एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से बहुत गर्म हो गई, कभी बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, कई बार डायनासोर थे वो मर गए, दो बार तो बेचारे डायनासोर खत्म हो गए। इस बार यूएनडीपी का एक वीडियो भी बहुत आया था, आपको मालूम है ना यूएन के कॉन्फ्रेंस के अंदर एक डायनासोर आता है बोलता है कि भाई हमारा तो कारण एक्सटिंक्शन था, मतलब एक्सटिंक्शन का कारण एस्ट्रॉइड था, लेकिन आपका क्या कारण है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं, आप तो खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हो। वह बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों पहली बार जो अर्थ का एक्सटिंक्शन हुआ था उसका कारण है जो कि यहाँ पे बताया गया है। ऐसा बोला गया है कि हमारा जो अर्थ का कारण था जो सबसे पहले खत्म हुई थी वो था कूलिंग क्लाइमेट, जिससे ओशन का जो सर्कुलेशन पैटर्न है ना वो पूरी तरीके से चेंज हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया ऑक्सीजन रिच वाटर का। जब कूलिंग, जब ज्यादा कूलिंग होती है तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो उसके वजह से हमारी अर्थ है जो कि खत्म हो गई, मरीन क्रिएचर जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए सडन चेंज की वजह से। ये 450 मिलियन ईयर अगो जो है हुआ था और 85% जो स्पीशीज है वो इस टाइम पे तबाह हो गए थे। और ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, अगर हम लोग हमारी अर्थ को खत्म करते हैं क्लाइमेट की वजह से, तो ये हमारे अर्थ का छठा एक्सटिंक्शन है जो कि देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए छठा एक्सटिंक्शन को ज्यादा दूर नहीं है, 100 साल के आसपास है। अभी क्या चल रहा है, 2100 आते आते आप देखोगे कि अर्थ हमारे तो क्या जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन हाँ 2100 के आसपास आप देखोगे कि अर्थ का अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी होगी, और छठा एक्सटिंक्शन जो होगा वो इंसान की वजह से होगा। तो ये रिसर्चर के द्वारा बताया गया, पहली बार 450 मिलियन ईयर अगो हुआ, और एक डेवोनियन भी हुआ 450 मिलियन ईयर अगो, 75% स्पीशीज खत्म हो गए। परमियन मास एक्सटेंशन हुआ 250 के आसपास, और ट्रायसिक जो कि डायनासोर का हुआ 200 मिलियन के आसपास, जहां पे 80% अर्थ के स्पीशीज डायनासोर ये सब खत्म हुए थे। तो ये सब है जो कि यहाँ पे बताया गया है, है ना। चलो आगे बात करते हैं, अब क्या होगा। देखो बॉक्सिंग के अंदर आपको मालूम होगा जजेस है ना, आजकल बहुत सारे चार्जेस लगने लग गए, जजेस जो है कोई दो बॉक्सर का मैच देखते हो आपको लगता है कि यार जीतना तो ये बॉक्सर चाहिए, इसने तो बुरी तरीके से मारा दूसरे वाले को, लेकिन जजेस का जब फैसला आता है तो दूसरे वाले के फेवर में आता है, और बॉक्सर खुद भी हैरान हो जाता है, यार मारा तो मैंने था ज्यादा लेकिन जीत ये कैसे गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, इनफैक्ट रियो ओलंपिक के अंदर भी ये केसेस देखने को मिला। इसके वजह से अब क्या हो रहा है कि बॉक्सिंग फेडरेशन क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम में ले रही है जजेस कितने बायस्ड है, करप्टेड है नहीं है उसको पता करने के लिए। कैसे पता करेंगे, आर्मी के कुछ टूल्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिससे वो थोड़ा बहुत सच को बारे में पता कर सकते हैं, वही टूल्स है जो कि बॉक्सिंग फेडरेशन काम में ले रहा है। तो मिलिट्री ग्रेड एआई टूल टू रिमूव करप्शन इन बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग में करप्शन को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने एम्प्लॉय किया मिलिट्री अप्रूव्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस एनालिसिस और साइबर टेक्नोलॉजी सिस्टम, जिससे ये पता किया जाएगा कि जजेस और रेफरी जो है वो किस तरीके से है। ये अभी यूज भी किया गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप बेलग्रेड के अंदर, है ना। चलिए तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके अलावा तो कुछ खास यहां पे नहीं है। चलो इसके अंदर क्या होता है, आपके वॉइस के सैंपल्स हो गए, सोशल मीडिया प्रोफाइल है, बिजनेस इंटरेस्ट है, सीरियस कंसर्न और कई तरीके की चीजें देखी जाती है। ये आपके अलग होता है, जैसे कि आपका एक होता है ना एक हम लोग लाइट डिटेक्टर मशीन से भी टेस्ट करते हैं, वो वाला नहीं है, ये अलग है। मतलब इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ने क्लेम किया कि भाई कई लोगों ने फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर, प्रूफ जो है वो चीटिंग के, ब्राइबरी के, करप्शन के, मैनिपुलेशन के जो है वो देखे गए। तो ये सब चीजें जो है ये काउंटर करने को लेकर काम कर रहे हैं। आज के दिन की बात करें 1775 में यूएस मरीन कॉर्प्स का क्रिएशन है, जो कि फिलाडेल्फिया के अंदर अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर के टाइम पे दोस्तों किया गया था। वोकैबुलरीज की बात करें, पहला मतलब होता है ओनस, ओनस का मतलब होता है दायित्व, बर्डन, सही प्रूव करने का ओनस इस आदमी के ऊपर है, यानी कि दायित्व इस आदमी के ऊपर है, ओनस का मतलब होता है बर्डन, ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। मलेशियस, मलेशियस का मतलब होता है जब आप बहुत ही बुरा काम करते हो, आपके इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने के होते हैं। वेनोमियस अच्छा वर्ड है, विंडिक्टिव अच्छा वर्ड है, मेलेवोलेंट भी अच्छा वर्ड है, और मलेशियस तो अच्छा ही। कन्विक्शन का मतलब होता है धारणा, उसका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि उसकी धारणा बहुत ही स्ट्रांग है ना। ओपिनियन, थॉट भी बोल सकते हैं इसको, पर्सुएशन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब किसी चीज को रद्द कर देना। फर्निश का मतलब है प्रस्तुत करना, प्रोवाइड करना, सिंपल वर्ड है। एनविसेज का मतलब होता है कि परिकल्पना करना, एनविसेज कर लेना, पहले से आपको वीजा मिल गया अमेरिका का, ये आपने एनविसेज कर लिया, यानी कि पहले से कल्पना कर लिया आपने अमेरिका जाने से पहले, इसको फोरसी भी कह सकते हैं, बाकी कंटेम्प्लेट भी कह सकते हैं, दोनों बड़े अच्छे हैं। क्वेश्चंस की बात करें, आज का पहला सवाल है जो कि यूपीएससी का ही है 2020 का,
इसमें आपके साइबर इंश्योरेंस के बारे में सवाल बना है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आप इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइबर इंश्योरेंस क्या होता है? साइबर इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस अभी आजकल बहुत फेमस हो चुका है। आपके कंप्यूटर में आपके पैसे चोरी हो जाते हैं साइबर सिक्योरिटी की कमी की वजह से, तो आपको क्लेम है जो कि आप कर सकते हो। तो किन किन कारण से कर सकते हो? अगर आपके किसी मालवेयर की वजह से कंप्यूटर के सिस्टम में डिस्ट्रप्शन हो गया, अगर उसको वापस से रीस्टोर करना है, तो उसका कॉस्ट क्या इस इंश्योरेंस में इंक्लूड होगा? कॉस्ट ऑफ रीस्टोरेशन। अगर आपके कंप्यूटर डैमेज हो गया तो क्या आपको नया कंप्यूटर मिलेगा क्या? ओके क्या? तीसरा, कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट। अगर आपको कोई साइबर क्राइम हुआ, आपने किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया है, तो क्या इसमें इंक्लूड होगा? कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट। थर्ड पार्टी ने केस कर दिया तो कॉस्ट अगर आपकी जो वकील की आती है, क्या इसमें इंक्लूड होगी? तो इसमें साइबर इंश्योरेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा? अब देखिए यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है, एक बार बताओ, रीस्टोरेशन में ज्यादा पैसे नहीं लगते तो ये तो इंश्योरेंस वाला कवर कर देगा। हायर तो करना ही पड़ेगा स्पेशलिस्ट, यार आप थोड़ा उसके ऊपर काम, और कोर्ट में केस चला गया तो आपको देना पड़ेगा, कोई पैसा ही फ्री नहीं देगा, वो काम करेगा। तो ये तीनों पॉइंट तो जस्टिफाइड लगते हैं। एक बार बताओ, गलती आप कर रहे हो, गलत गलत साइट के ऊपर आप जा रहे हो, कंप्यूटर आपका हैंग हो गया, फिर आप बोल रहे हो मुझे नया कंप्यूटर ला के दो, क्या इंश्योरेंस वाले करेंगे ये? आप तो 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप लेके बैठे हो, कोई मैकबुक का कोई खतरनाक वाला, फिर आपका कंप्यूटर जो है वो डैमेज हो गया कुछ गलत साइट पे जाने की वजह से, तो आपको देगा क्या इंश्योरेंस वाला? नहीं देगा। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों दूसरा वाला गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारे सही है। तो आपका यहाँ पे बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। कई बार मैं चिल्ला चिल्ला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताता हूं, जल्दी से बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो, कहां पे काम आ सकता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा? हो सकता है ना, घर से निकल जाओगे लाइट बंद हो जाएगी। ओके, ऐसे बहुत छोटा सा काम है। तो आप क्रिएट कर सकते हो शॉर्ट स्टोरी सॉन्ग, बिल्कुल कर सकते हो। डिजीज का डायग्नोसिस, टेक्स्ट से आप स्पीच का कन्वर्जन कर सकते हो। वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ये क्या सारे काम आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हो? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछे गए। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप BHU10 या BHU10 यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए। UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम के लिए आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे। इस बार 170 प्लस लर्नर ने UPSC एग्जाम क्रैक किया है। आपको लाइव क्लास है ना, ठीक है, आपको 12, 24 या 36 महीने सेलेक्ट करके यहाँ पे BHU10 है जो कि आपको यूज करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे। मोबाइल नंबर डालिए, अपना गोल सेलेक्ट करिए, जो भी आपका गोल है यहाँ पे 40 प्लस एग्जाम में से प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 मंथ, और यहाँ पे BHU10 है जो कि आप लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, और एक बच्चे की एजुकेशन आप हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन से अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये था आज का आपका सेशन गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं 12 बजे वाले क्लास में। थैंक यू।